गाइस, सोशल आइसोलेशन के कारण हम सभी घर पर ज़्यादातर टाइम बैठे बैठे बिता रहे हैं और ऐसे में कई लोगों को अपने अपर बैक में पेन और स्टिफनेस की शिकायत हो रही है। मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कई मैसेजेस आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि उनका अपर बैक आजकल बहुत स्टिफ फील हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा 5 बहुत ही आसान अपर बैक स्ट्रेचेज एंड मोबिलिटी ड्रिल्स जो आप बड़ी आसानी से अपने घर पर ही कर सकते हैं और ये इंस्टेंटली आपको टाइटनेस और दर्द से आराम देंगी। पहला स्ट्रेच, ब्रूमस्टिक रोटेशंस। गाइस, सिंपली आपके घर में कोई भी स्टिक हो, चाहे पोछे का डंडा या फिर किसी भी टाइप का पीवीसी पाइप, तो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अपने शोल्डर्स पे रखिए और अब स्टिक को यूज़ करके आप रोटेट कीजिए जितना रोटेट आप कर सकते हैं अपने फीट को सामने की तरफ रखते हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ 3 बार रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ सेम साइड पे और हर बार थोड़ा सा आगे रोटेट कर पाता हूँ। इसी तरह दूसरे साइड भी रोटेट कीजिए और इस तरह इस मूवमेंट को 5 से 10 बार रिपीट कीजिए दोनों साइड पे। बहुत ही अच्छी मोबिलिटी ड्रिल है, आपको लूजन अप कर देगी एंड इमीडिएटली आपको रिलीफ फील होगा। और अगर आपको कोई स्टिक नहीं मिल रही है तो इस तरह आप इसका अल्टरनेट भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को चेस्ट पे प्लेस कर दीजिए और ईच साइड रोटेट कीजिए जितना फार आप रोटेट कर सकते हैं, अपने पैरों को फ्रंट की तरफ फेस करते हुए ही 10 से 15 रेपिटेशंस ईच साइड। दूसरी मोबिलिटी ड्रिल, कैट कैमल। गाइस, ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रिल है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ और पैरों पे आके इस तरह आप सेटअप कर लीजिए। अब ये स्ट्रेच 2 हिस्सों में होगा। अपने बैक को छत की तरफ राउंड अप कर लीजिए, ये है कैमल पोजीशन। और इस तरह आपके बैक में एक ऊंट की तरह हम्प बनेगा। इसके बाद स्ट्रेच के दूसरे पार्ट में हम आएंगे कैट पोजीशन में। तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कीजिए और अपने पेट और चेस्ट को ज़मीन की तरफ पुश कीजिए और इस तरह आपके बैक में एक आर्क बनेगा। रिपीट कीजिए इस ड्रिल को 1-2 मिनट तक एंड आपको गारंटेड रिलीफ फील होगा। तीसरा ड्रिल, सीटेड थोरेसिक एक्सटेंशंस। किसी ऐसी कुर्सी पर बैठिए जो कि लो बैक तक ही है। अपने हाथों को सर के पीछे रख के अपर बैक को पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए। कोशिश कीजिए जितना पीछे जा सकते हैं जाएं और इसी तरह रिपीट कीजिए इस मोशन को 10 से 15 बार। और गाइज, इन स्ट्रेचेस के बीच में मैं एक छोटा सा इंटरप्शन दूंगा कि हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है गाइज, इट्स नॉट डेफिनेटली नॉट मेड फॉर सिटिंग ऑल डे, राइट? आप भी इस बात से मानेंगे, इट इज़ मेड फॉर मूवमेंट। हमारे बोन्स जॉइंट्स ये ढांचा जो है ये मूवमेंट के लिए बना है। तो एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहने से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं और ये पेन होना उनमें से बस एक प्रॉब्लम है। तो ये स्ट्रेचेस बेशक हेल्पफुल हैं और आपको बिल्कुल इनसे मदद होगी, बट बेसिक्स मत भूलिएगा। बहुत देर तक एक पोजीशन में नहीं बैठे रहिए, हर 30 से 45 मिनट में उठिए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, 2 मिनट वॉक कीजिए और जब भी आपके पास ऑप्शन हो टू नॉट सिट तो डोंट सिट। जैसे कि अगर आपके पास कोई कॉल आया है तो आप चलते चलते भी बात कर सकते हैं, इससे आपके दिन भर के कुछ स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे। चौथा स्ट्रेच, थोरेसिक बेंच एक्सटेंशंस। फ्लोर पे नील डाउन हो जाइए और अपने हाथ बेंच पे रख के अपने चेस्ट को फ्लोर की तरफ ड्रॉप कर दीजिए। बैक में आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। यहाँ पे एज अ बेंच आप बेड या फिर चेयर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एंड इस पोजीशन को कुछ सेकेंड होल्ड कीजिए और लगभग 10 बार स्ट्रेच को आप रिपीट कीजिए। और 5वां मोबिलिटी ड्रिल, थ्रेड द नीडल। कैट कैमल की तरह ही फ्लोर पे नील डाउन हो जाइए और एक हाथ से दूसरी तरफ जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर तक हाथ को लेके जाइए। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी टॉर्सो से ट्विस्ट हो रहे हैं और आपका अपर बैक यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा। इसके बाद उसी हाथ से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कीजिए और जितना हाई ले जा सकते हैं उतना हाई लेके जाइए। सिमिलरली दूसरे हाथ से ये मूवमेंट रिपीट कीजिए। टोटल 10 रेपिटेशंस ईच साइड करेंगे। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है एंड आपको बहुत लूजन अप कर देगा।
तो गाइज ट्राई कीजिएगा इन स्ट्रेचेस को, बहुत आराम मिलता है। जो भी स्टिफनेस बैक में रहती है, अपर बैक में, काफ़ी रिलीफ मिलता है। मुझे पर्सनली ये स्ट्रेचेस बहुत काम आते हैं, और स्पेशली आइसोलेशन के दौरान सभी लोग बहुत इनएक्टिव हैं और ये स्टिफनेस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होगी। तो उम्मीद करता हूँ दिस वीडियो हेल्प यू आउट। कॉमेंट्स में बताइएगा क्या इन स्ट्रेचेस से आपको मदद मिली। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।